तो सबको मालूम है कि हम बचपन का दोस्त है हिंदुस्तान के साथ, बिल्कुल इंडिया के साथ दोस्त भी रहेगा, हर भाई है, भाई है, हिंदू इंडिया अफगानिस्तान। अगर पाकिस्तानी है तो हम इजाजत नहीं देंगे। सोशल मीडिया पे नारा लग रहा है इंडियन अफगान भाई भाई। विराट कोहली ने आज बता दिया कि मैं कुछ चीज हूँ, उनके मुंह से मैच खींच के लाया, मजा आ गया मैच देखने का। पाकिस्तान शो की बात करते हैं। वेल डन हिंदुस्तान, आज आपने नसीब वर्ल्ड कप जीता है। आसपास के ऐसे भी देश हैं जो आपको भाई बोलते हैं, आपने उनके दिल भी जीते हैं। अफगानिस्तान में तो बकायदा बड़ी बड़ी स्क्रीन्स को लगाया गया उनके रोड के ऊपर, उनके मुख्तलिफ बाजारों के ऊपर, और बकायदा सेलिब्रेट किया। ईद के ऊपर बाबर के लिए मैं अंडे लाई हूँ, दिल का मुंह तोड़ के जवाब दूं से। आज भारत ने कहले 17 साल बाद अपना सपना पूरा कर लिया, पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में जश्न का समा छाया हुआ। मैं कहता हूँ की पूरी दुनिया का मुंह तोड़ जवाब मिला, जो कह रहे थे की टीम इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीत। जश्न ही जश्न है, वो अगले ऑस्ट्रेलिया को जब उन्होंने हराया उस दिन से जश्न शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से जश्न शुरू है, जब ऑस्ट्रेलिया की इतनी बड़ी वर्ल्ड क्लास टीम चैंपियन है पिछले वर्ल्ड कप की, उनको हराया, जश्न तो उस दिन था। हमारे जो पठान कौम है वो खर दिमाग कौम है। और साथ में आपने आज वो सब दुश्मनों को रुला दिया भैया। सो इसलिए वंस अगेन वेलकम टू, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाकर। अफगानिस्तान भारत का रिलेशनशिप बहुत डीप है, इसके बारे में वीडियो के लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा क्यों अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री होते हुए सबसे ज़्यादा अफगानी लोग भारत को पसंद करते हैं। साथ ही साथ भारत कल T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है, अब आने वाले 7 साल में लगातार ICC टूर्नामेंट हैं। आगे का गेम प्लान गौतम गंभीर के साथ होगा। गौतम गंभीर आज तिरुपति बालाजी मंदिर गए थे, उन्होंने टीम इंडिया को ज्वाइन करने से पहले मंदिर गए, और अब न्यू टीम इंडिया बनेगी। जडेजा, रोहित शर्मा, विराट कोहली तीनों जा चुके हैं, हालांकि T20 से गए हैं, टेस्ट और ODI में तो वो रहेंगे। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मुबारक हो, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका सालों साल से इंतजार था हिंदुस्तान वालों को। यार मुबारक शाह, ढेर ढेर मुबारक शाह, बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। क्या रात है भाई, उफ क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है। वेल डन भाई, वेल डन हिंदुस्तान, आज आपने नसीब वर्ल्ड कप जीता है। आसपास के ऐसे भी देश हैं जो आपको भाई बोलते हैं, आपने उनके दिल भी जीते हैं, और साथ में आपने आज वो सब दुश्मनों को रुला दिया भैया जो हिंदुस्तान को लेके ट्रोलिंग करना चाहते थे। सिंगल मैच नहीं हारा, एक सिंगल मैच भाई, पूरा गला बैठा हुआ है मैं। एक सिंगल मैच नहीं हारा, बिना हारे एक मैच हिंदुस्तान उठा गया वर्ल्ड कप 2024 भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज कोई भी नहीं दिखेगा सिवाय हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के लोगों के सोशल मीडिया पर। सब घरों में छुप जाओ पाकिस्तानियों, तो बहुत मार पड़ेगी आज। भैया पूरा हिंदुस्तान इसको मनाओ भाई, सड़कों पे निकलो, दिवालियां बनाओ, पटाखे फोड़ो, फायरिंग करो, मजे उड़ाओ भाई। आप लोगों को, हमारी पश्तों में कहावत है कि आप लोगों को नूशी जान हो ये वाला वर्ल्ड कप। इंडिया जीत चुका है T20 वर्ल्ड कप। अगर मार्केट के हालात कैमरा दिखाए तो लोग इस वक्त जो है रोड पे आ चुके हैं, और इस वक्त हर बंदा ये जो है चाहता है कि वो कैमरे के सामने आए, अपने ख्यालात का इजहार करे। हमारे साथ कुछ ऑडियंस मौजूद है, क्या कहेंगे। इतना टफ मैच इंडिया ने 176 किया और साउथ अफ्रीका ने निहायत ही अच्छा परफॉर्म किया, 169 रन किए, लेकिन सारा का सारा क्रेडिट जाता है जसप्रीत बुमराह को। जसप्रीत बुमराह ने क्लेसन को आउट करके जीता हुआ मैच साउथ अफ्रीका से वापस ले लिया। बड़े मैच का बड़ा प्लेयर किंग कोहली, आज उसने कर दिखाया है कि वो किंग है, और बाबर आजम को इस बात पे थोड़ी सी सोचना चाहिए, कुछ और नहीं कि यार उसने आज किंग बन के दिखाया। पासा पलट दिया, इस साइड की ऑडियंस को भी गेंद किया गया। सर इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है और इंडिया ने आज जादू किया है। आज जिस तरह 25 रन चाहिए थे वो नहीं हो सके, विराट कोहली ने देखें कितना आज ओवर सर बड़ा इंपॉर्टेंट था। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से मिलर को आउट किया, साउथ अफ्रीका ने बड़ी एफर्ट की, साउथ अफ्रीका हार गया। मैं कहते मेरे दोस्त कह रहे हैं इंडिया ने किया जादू। अच्छा 26 बोले थी, 25 रन ही हुए, इतना अच्छा मिलर खेल रहा है। हाँ। इतने अच्छे उनके बैट्समैन पड़े हुए, स्कोर नहीं हो रहा, ये मेरा दोस्त कह रहा है। आज जश्न मनाया जाएगा, देखें ये पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है भाई, क्यों मनाया जा रहा है? इसलिए कि इंडिया जीत चुका है, उन्होंने पाकिस्तान को
हमें हमदर्दी है उनसे। हाँ जी, हम उनसे लव करते हैं, हम उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। इंडियन टीम ने परफॉर्म किया, वाकई एक लेसन तो पूरी दुनिया को दिया। अगर आपके अंदर जीत की स्पिरिट हो, बड़े से बड़ी टीम हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इस दफा इंडिया ने सबकी धुलाई कर दी है। मैं एक बात करूंगा कि एक बंदा मेहनत करता है ना, वो स्ट्रगल करते हैं। स्टार से उन्होंने पाकिस्तान के पहला मैच खेला है, उन्होंने स्ट्रगल किया है, हिम्मत नहीं आ रही, वो हारा हुआ मैच जीते। मुस्तफा भी हमारे साथ, छोटा सा बच्चा मौजूद है जो कि इंडियन फैन को और क्रिकेट को बड़े शौक से देखते हैं। मुस्तफा, आज के मैच के बाद क्या एहसास है, क्या जज्बात है? वर्ल्ड कप तो इंडिया ले गया, साउथ अफ्रीका खाली। क्रिकेट के लिए आपसे बात करते, इंडिया ने इतने लेवल की परफॉर्मेंस की, यार मजा आ गया। विराट कोहली ने आज, विराट कोहली ने आज बता दिया कि मैं कुछ चीज हूं। जी इंडिया तो जीत गया, पर बाबर के लिए मैं अंडे लाई हूँ। दिल करता है कि मुंह तोड़ के जवाब दूं उसे कि अंडे के लिए रह गया वो, सिर्फ कोई काम नहीं है हमारी टीम का। ये वर्ल्ड कप इन्हें विन करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था इनको। तो ये अंडे बाबर के लिए, यस बाबर, ये अब अंडों का किंग रह गया है जी। पहले बाबर घंटे का किंग था, अब अंडों का किंग है। हम क्या कहते हैं यार, हम हार गए हैं, हमारे बॉलर भी ढीले डाले, फील्डर भी ढीले डाले, हमारे बैट्समैन भी ढीले डाले, वो हिम्मत नहीं हारते, वो मेहनत करते हैं। अल्लाह पाक किसी का, क्या बात है, गूज़बम्प्स, क्या बात है। दुनिया क्रिकेट का अजीम तरीन खिलाड़ी विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया है। आज के बाद विराट कोहली किसी T20 इंटरनेशनल में नजर नहीं आएंगे एक्शन में, लेकिन क्या एक जज्बातियत से भरपूर। आई एम पर्सनली सो ग्लैड एज अ क्रिकेट फैन, आई एम सो ग्लैड कि विराट कोहली जैसा दुनिया क्रिकेट का अजीम तरीन बैट्समैन ये डिजर्व करता था कि वो ऐसे ही किसी मौके पे, ऐसे किसी स्टेज पे अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करे। और T20 एक ऐसे मौके पे जब विराट कोहली ने कलीदी किरदार अदा किया है, 70 से ज्यादा रन बना के अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप जितवाने में, विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मैं ये चाहूंगा कि हम एक क्रिकेट फैन की हैसियत से दुनिया क्रिकेट के इस अजीम खिलाड़ी विराट कोहली को बहुत सारी तालियों में, अपनियों में अप्रिशिएट करें। थैंक यू विराट कोहली फॉर गिविंग अस सच ग्रेट मोमेंट्स। एंड रिगार्डलेस कि हमारा ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, इफ यू आर अ फैन ऑफ क्रिकेट, यू हैव टू बी अ फैन ऑफ विराट कोहली। और क्या बात है बासित भाई, गूज़बम्प्स कमाल, मतलब मजा आ गया ये कुछ बातें सुन के। तो जल्दी कर दिया उसने, हाँ खेलना चाहिए था, अभी खेलना चाहिए था। और आज एक जुमला बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल लोगों को बहुत बुरा लगेगा। विराट कोहली तकिया कलाम नहीं है सर, क्या क्या ये सीरियस बात हो रही है। हाँ, विराट कोहली T20 का जावेद मियांदाद है। अच्छा सही जनाब, कामरान अकमल साहब सुपरस्टार, हाँ मेरे ख्याल से अगले 20-25 साल कम ही कोई इसको इसके करीब पहुंचेगा, जैसी इसकी परफॉर्मेंस है। हाँ। जैसे इसने लीड किया, मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त टाइम था जो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस किया जीतने के साथ, और वो इसकी लाइफ, ब्रिलियंट वे, व्हाट अ ब्रिलियंट वर्ल्ड कप, इसकी लाइफ का हिस्सा बनाना चाह रहा था, अपनी लाइफ का हिस्सा वो अचीव किया। अमेजिंग मोमेंट, हैप्पी रिटायरमेंट, यही बोलेंगे कि मिस करेंगे इसको T20 क्रिकेट में। सही बात है, वनडे और टेस्ट मैचेस में तो जितनी फिटनेस है मुझे लग रहा है अगले 5-6 साल खेलेगा, लगता नहीं है कि वो इतना खेल जाएगा, क्योंकि अभी जैसे इसने ऐसी फिटनेस के साथ T20 छोड़ा, मेरे ख्याल से यंगस्टर्स के लिए जितना जबरदस्त ये रोल मॉडल है कोई भी नहीं हो सकता मॉडर्न क्रिकेट आजकल की, कोई भी नहीं।
अब शाहिद भाई मतलब ये तो एक पूरा एक फिल्मी दास्तान है ना, जो कि असल में फिल्मी नहीं बल्कि हकीकी है कि इतना आइकॉनिक प्लेयर लेकिन ये कि अनफॉर्चुनेटली जबरदस्त किरदार अदा कर रहा है, टीम को मैच विनिंग इनिंग्स लेके भी दे रहा है लेकिन ट्रॉफी हाथ में नहीं आ रही है, फिर वर्ल्ड कप में जाता है फाइनल में हार जाता है पिछले वर्ल्ड कप में, फिर वर्ल्ड कप में जाता है बहुत बुरा वर्ल्ड कप खेलता है, फिर टीम फाइनल में पहुंचती है, बेहतरीन खेलता है, मैन ऑफ द मैच बनता है, टीम को जितवाता है और कहता है कि अब अगली जनरेशन जाए अब मैं यानी इससे अच्छा इख्तिताम इस कहानी का हो नहीं सकता था। किसी भी प्लेयर की ग्रेटनेस की निशानी है ये। और 2011 का वर्ल्ड कप जब जीता था इंडिया तो विराट कोहली ने कहा था कि सचिन तेंदुलकर को हमें कंधों पे उठाना चाहिए। आज जब हर्षा भोगले ने उससे कहा कि आपको उठाना चाहिए कंधे पे, उसने कहा नहीं रोहित शर्मा को उठाना चाहिए इसलिए कि वो कप्तान है। क्या बात, इतनी ग्रेटनेस है। आज मुझे लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये विनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो रोहित भी अनाउंस कर देगा रिटायरमेंट। अच्छा अपना रिटायरमेंट। सबसे पहले तो शाहिद भाई को मुबारकबाद दीजिए, वो पहले ही बता चुके थे कि ये हारता या जीतता विराट आपने कहा था कि विराट कोहली पहले सर हार भी जाता तभी करता हूं। आप कह रहे थे व्हाट अ लेजेंड ऑफ द गेम, क्या क्या शानदार बंदा, एट द सेम टाइम वेरी हंबल आल्सो, वेरी हंबल, बहुत चेंज किया इसने अपने आप को 2009 के बाद, ग्रूम किया है ना बहुत। एक चीज होती है अच्छा खेलना, उसके साथ साथ अच्छा बोलना, आपका रोल मॉडल होना यंगस्टर्स के लिए, बहुत ही ग्रेट प्लेयर। तो इट्स एंड ऑफ एन एरर, बड़ा अफसोस भी हो रहा है। हाँ, क्या विराट कोहली नजर नहीं आएंगे एक्शन में, विराट कोहली को नहीं देखेंगे। लेकिन ये कि और मुझे याद आ रहा है वो मंजर, पता नहीं कई सालों पुराना, जब सचिन तेंदुलकर एक तकरीब में थे, वहां पर इंडिया के कुछ यंगस्टर्स बैठे हुए थे और जनाब अब आप जैसा कोई खिलाड़ी मिलेगा ही नहीं, और वो कह रहे थे कि इन्हीं में से कोई होगा और उनमें एक्चुअली विराट कोहली बैठे थे और रोहित शर्मा का और रोहित शर्मा बैठे थे उनमें, और वाकई उन दोनों ने जो है वो साबित किया कि सचिन तेंदुलकर ने गलत नहीं कहा था बिल्कुल। लेकिन अगेन विराट कोहली जैसा प्लेयर आपको हर कुछ सालों में नहीं मिलता, ये बहुत अरसे में आते हैं, ऐसा ही बासित भाई 100% जी लेजेंड है, मतलब मैच विनर है। हाँ ये थोड़ी के कमजोर टीमों के खिलाफ रन करके हीरो बनाए, अच्छी टीमों के खिलाफ परफॉर्म करके हीरो बनाए, और मेरा ख्याल है कि जितनी तालियां बजाएं कम है। और जैसे भी नजीब ने भी कहा अभी ठीक है अभी हम क्रिकेट पे ज्यादा बात करते हैं, लेकिन एक क्विक कमेंट इसमें भी कि एक खिलाड़ी जब सुपरस्टार बनता है आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, आप जहां बोलते हैं अरबों लोगों के लिए आप उस मुल्क के एम्बेसडर होते हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं कैसे बोल रहे हैं, आप अपने एटीट्यूड में हम्बल हैं या प्राउड, ये सब बड़ा मैटर करता है। तो विराट ने क्रिकेट में तो वंडर्स किए हैं, इस हवाले से भी इन सारे ग्राउंड्स में अपने आप को शदीद इम्प्रूव किया है ना बहुत ज़्यादा। मैं जो हम पहली आईपीएल खेले थे 2008 में, हाँ। हमने खुद देखा था ये क्या कर रहा है, सही है। हाँ, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आया है, तो लग रहा था कि ये क्रिकेट के साथ सीरियस नहीं है। हाँ। तो मेरे ख्याल से उस दिन के बाद इसने आईपीएल ख़त्म हुई है 2009 में टीम में आया, उसके बाद मेरे ख्याल से इनके जो ग्रेट सचिन है वो देखें कि उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला, कैसे लेके गए हैं। जब वैसे टीम में प्लेयर्स होंगे तो जो यंगस्टर आने वाले होंगे ना वो सीखेंगे, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एसेट है विराट कोहली इंडियन क्रिकेट का, ग्रेट सचिन तेंदुलकर, और ये एक चलता हुआ आ रहा है। आप देखें बैकअप जैसे उन्होंने बनाया हुआ है, ये प्लेयर चलते हुए आ रहे हैं, तो वो इसलिए छोड़ के गया, उसे पता है कि मेरा सिस्टम इतना प्लेयर बहुत बड़े पड़े हुए हैं। सॉरी एक क्विक समरी भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आप डेफिनेटली आपकी ये जो संडे है बहुत अच्छा गुजरा होगा काफ़ी लंबे समय के बाद, क्योंकि भारत में क्रिकेट इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है कि ऑब्वियसली हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी है अगर हमारी टीम वर्ल्ड कप जीतती है। ऑब्वियसली आईपीएल में ऐसा रहता है कि कोई टीम जीती है कोई हारती है, कोई वर्ल्ड चैंपियन बनता है तो भी उतना आईपीएल चैंपियन बनता है तो हमें उतनी खुशी नहीं होती जितनी टीम इंडिया के जीतने पर होती है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से कल जो हम मैच खेले, ऑब्वियसली ये बहुत फंसा हुआ मैच था। फंसा हुआ क्या था, इंडिया तो टोटल हार चुका था, 95% मैच इंडिया हार चुका था। उसके बाद जो चमत्कार हुआ आपने देखा गाइस, अब टीम इंडिया टोटल चेंज होने वाली है T20 में, तो डेफिनेटली इसके संदेश बहुत दिनों से मिल रहे थे और होना भी चाहिए। विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो और जडेजा हो, ऑब्वियसली आप बहुत लंबे समय तक T20 खेल चुके हो, अब हमें नए प्लेयर्स लाने चाहिए। अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, रजत पाटीदार, रियान पराग, मैं गिल को पता नहीं, मुझे गिल कोहली टाइप के प्लेयर ही लगते हैं, बट इट्स ओके, देखते हैं वो उनकी टीम में जगह बनती है कि नहीं बनती है। और सूर्य कुमार यादव भी मुझे लगता है नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में होगा उस तक शायद अगर उनका फॉर्म रहे तो वो भी खेल सकते हैं। और रियान पराग हो गए, और जो शशांक सिंह और पंजाब के एक और वो अर्शदीप, पता नहीं आकाशदीप शर्मा नाम है उनका शायद वो, और जो भी आईपीएल के जो टैलेंटेड प्लेयर हैं मयंक यादव
और जो भी मतलब सुपरस्टार आईपीएल में नए, जो रिंकू सिंह ऑब्वियसली रिंकू सिंह वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, जो कि आप समझ सकते हो ये इन प्लेयर्स को अब टीम इंडिया में T20 में जगह मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट ईयर, अगर अभी फरवरी में, जो फरवरी आप समझ सकते हो ना, 6 महीने क्या 7वां महीना चालू हो रहा है कल से, फरवरी में कितना टाइम बचा है, ये 6 और 2 8, 8वें महीने में हम अगली चैम्पियंस ट्रॉफी खेल रहे होंगे, पाकिस्तान में होनी है, वो पाकिस्तान में होगी या दुबई में होगी ये तो वक्त बताएगा, बट उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली हो सकते हैं अगर वो ODI फॉर्मेट में होती है। मेरे हिसाब से तो होने चाहिए डेफिनेटली, सीरियसली वो अभी ODI के हिसाब से परफेक्ट हैं। और देख सकते हो आप किस तरीके से आने वाले जो साल हैं, नेक्स्ट ईयर 2025 ICC चैम्पियंस ट्रॉफी, 2026 T20 वर्ल्ड कप इन इंडिया, 2027 ODI वर्ल्ड कप इन साउथ अफ्रीका, उसके बाद उसी ईयर शायद उसी में वो है टेस्ट चैम्पियंस ट्रॉफी जो चलती है, होता है उसका फाइनल होता है वो है, फिर उसके बाद शायद T20 वर्ल्ड कप है, फिर उसके बाद शायद चैम्पियंस ट्रॉफी या टेस्ट चैम्पियनशिप, फिर 31 में इंडिया में 50 ओवर वर्ल्ड कप है, मतलब आप समझ सकते हो। तो मेरे हिसाब से विराट कोहली अगला वर्ल्ड कप 50 ओवर का तो वो खेलेंगे जिस हिसाब से वो फिट है, और खेलना उनका बनता भी है, ऑब्वियसली उनका खेलना बनता भी है, और जब तक शायद नई टीम तैयार हो जाए और बहुत सीनियर प्लेयर हो जाएंगे हमारे हार्दिक पांड्या और बुमराह, ये सुपर सीनियर प्लेयर हो जाएंगे, इसलिए जो अगले 7-8 साल में जो ट्रॉफीज़ ICC टूर्नामेंट्स होने हैं उसके हिसाब से अगर टीम बिल्ड करनी है तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा का फैसला बिल्कुल सही है। हमें नए प्लेयर प्रेशर वाली सिचुएशन में तैयार करके उनको टीम इंडिया के लिए प्रिपेयर करना है, और देख सकते हो आप भविष्य भारत का कितना अच्छा है, यशस्वी जायसवाल हो, अभिषेक शर्मा हो, गिल हो, ऋतुराज गायकवाड़ हो, रिंकू सिंह हो, और भी यार अब तो नाम मतलब गिनते आप थक जाएंगे, इतने टैलेंटेड प्लेयर हैं। तो आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार आपको ऐसे वीडियो